अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली? और जनाब देखें, आज इतना अच्छा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मैंने सोचा आपको ज़रा छत की सैर करवा दूँ। आप सब भी देखें ज़रा, सऊदीया में जो है वो छतें कैसी होती हैं। हुआ हुआ किचन के कैबिनेट रखे हुए हैं इन्होंने, देखें। पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसी चीज़ें बिल्कुल ज़ाया नहीं करने देते, किसी न किसी यूज़ में ले आते। ये वैक्यूम पड़ा हुआ है, और इधर जो है डिशें लगी हुई, ये स्टोर है, वो टंकी लगी हुई पानी वाली टंकी। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी टंकियाँ लगी होती, और वो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी। और ज़रा बादल भी देखें, लगता है आज तो बारिश आएगी। मैं आपको कबूतर भी दिखाती हूँ। सऊदी में जो है कबूतर बहुत होते हैं, हर जगह पे आपको कबूतर नजर आएंगे, इनके अलावा कोई परिंदा नजर नहीं आता। आज तो मौसम माशाल्लाह से बहुत ठंडा हो गया। ये देखें ज़रा आज कितना बड़ा मैस हो गया किचन में। नीचे से ड्रेन इसका जो है वो बंद हो गया, और सारा पानी किचन में आ गया ऊपर वॉशिंग मशीन का। देखिए जरा, चलें अब करते हैं सफाई। तो आज करते हैं खाने की तैयारी। आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग और मसूर की दाल। मैं तो पका रही हूँ दो बंदों के हिसाब से, क्योंकि हम दो ही हैं खाने वाले फ़िलहाल। इसको मैं अब, यहाँ की जो दालें हैं वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, इनको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता इनके अंदर। तो मैं इसको भिगो दूँगी पानी में, इतने पानी में हमने इसे भिगो के रख देना है, और 1-1.5 घंटे बाद मैं इसे फिर पकने के लिए रखूँगी। चले जी, अब हम दाल रखते हैं ऊपर पकने के लिए। पहले मैं डाल दूंगी दाल। दाल जो है वो भीग चुकी है, नरम हो गई है। इससे ये होता है कि ये जल्दी गल जाती है, अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए पहले भिगो दें तो हमारी दाल बहुत अच्छी बनेगी। दाल तो वैसे भी सबकी फेवरेट है ये वाली दाल। इसमें मैं नमक डाल दूंगी, पहले नमक थोड़ा ही डालना, अगर कम होगा तो हम और डालेंगे। हल्के नमक का तो इलाज है, तेज़ नमक का तो कोई इलाज नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, ये डालना है।
हल्दी डालेंगे, दाल जो है थोड़ी स्पाइसी हो, मिर्चें इसमें पूरी हो, फिर मज़ा आता है खाने का। ये सूखा धनिया पिसा हुआ, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। पानी डाल लेते हैं। पानी अपने हिसाब से डालें, जितनी दाल आपने पतली रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी और ये स्टीम में गल जाएगी बहुत अच्छी तरह से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हम जो ये सूखा धनिया है इसको काफ़ी अच्छे तक महफूज रखने के लिए ना, इसको जो है थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर हम इसकी आग बंद कर देंगे। इससे ये होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, गरम मसाला हो गया, सूखा धनिया हो गया, काफ़ी अरसे तक महफूज रहता है और इसे कीड़ा नहीं लगता, काफ़ी दिनों तक ये चल जाता है। ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो समुंदर की वजह से मौसम में बहुत नमी होती है और इस वजह से चीज़ें भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, फिर गरम मसाला जो होता है उसको सेक के फिर पीसती हूँ, या वैसे साबुत रखना हो फिर वैसे रखती हूँ, तो उससे जो है बहुत अच्छा रहता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। चलें जी, तो मुझे बताएं, स्वीट पोटैटो जिसे हम उर्दू में शक्करकंदी भी कहते हैं, ये कौन कौन खाता है? सर्दियों के सीज़न में बहुत ही मज़े की लगती है। मैं तो डेली खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसे मैंने स्टीम में पकाया है, राइस कुकर है उसके अंदर, और अगर इसे हम कोयलों में बनाएं, जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में कोयले जलाते हैं तो उस पर बनाते हैं, उस पर भी बहुत ही मज़े की बनती है। और यहाँ पे तो हम ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम बाहर बैठ के कोयले जलाएं या आग सेकें, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है। जनवरी में यहाँ पे एसी चल रहे होते हैं तो कोयले जलाना तो दूर की बात है। देखिए, आजकल तो वैसे भी सर्दियों का जो मौसम है वो चेंज हो गया, थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है, जैसे पाकिस्तान में नवंबर में ठंड होती है या अक्टूबर में, उस तरह की ठंड होती है। और जो पाकिस्तान वाली ठंड है जनवरी और दिसंबर की, वो यहाँ यहाँ पे नहीं आती, ना ही हम लोग गर्म कपड़े पहन सकते हैं, ना ही जर्सियाँ पहन सकते हैं जैसे पाकिस्तान में। जर्सी पहन के या गर्म कपड़े पहन के जो मज़ा आता है रज़ाई में बैठ के मूँगफलियाँ खाने का, वो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो बस हर टाइम एसी एसी एसी। इसके ऊपर मैं डालूँगी चाट मसाला, इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला और ऑरेंज जूस डालेंगे। ऐसे
ऐसी देसी चीज़ें करके और खा के बहुत ही मज़ा आता है, जो हम लोग बचपन से खा रहे होते हैं। ये देखिए, और इस शकरकंदी के जो हैं फायदे भी बहुत हैं, कैल्शियम है, इसमें विटामिन्स होते हैं, खानी चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन खाता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे ही पता चले मेरे अलावा कौन कौन पसंद करता है। चलें जी, अब मैं खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। और इधर दाल को जो बॉईल आ गया, देखिए ज़रा, अब इसको मैं ढक दूंगी और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं दाल हमारी गल गई है, देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गई है और मिक्स भी हो गई। दाल जो है इतनी पतली जो है वो काफी है। चलें जी, हम इसको तड़का लगाऊंगी, और तड़का कैसे लगाना है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। तड़का लगाने के लिए जो लहसुन मैंने छील लिया है, और कद्दूकस की जो ये बारीक वाली साइड है ना, जो आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ तो मैं कद्दूकस और लहसुन जो है वो कद्दूकस कर दूँगी। सॉरी जनाब, वर्स जो हैं वो थोड़े आगे पीछे हो गए, कभी कभी हो जाता है ऐसे, टेंशन नहीं लेनी। इस तरह से जो है वो लहसुन बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाता है, और इसका दाल में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए ऐसे बारीक बारीक हो जाएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ तड़का, इसमें मैंने लहसुन पहले ही डाला हुआ है, और ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है वो भी इस पर ज़रूरत डालनी जितना आपको मुनासिब लगे। इसको हम ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। कुछ लोग तड़के में जो है वो भी डालते हैं कड़ी पत्ता, इंडिया वाले जो हैं बहुत खाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खाते हैं, पर उसकी जो खुशबू होती है वो बाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती। और जिन्हें पसंद है जाहिर सी बात है वो तो फिर खाते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। आप ऐसे अगर कोई यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करके देखूँगी। इसको हमने ब्राउन होने देना है। और इसमें ये साबुत गोल मिर्चे हैं ये डाल देंगे।
अब जो है लहसुन का कलर आ रहा है ऐसा ऐसा। ओ सॉरी, कलर आ गया देखें, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। हम इसमें डाल देंगे सफेद जीरा, चूल्हा बंद कर दिया है, तड़का तैयार हो गया है। देखें जनाब, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, फिर दाल हो गई तैयार।